ऐसे राजस्थान विश्वविद्यालय के नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष और राजस्थान के गरीब जवान और किसान के बेटे और बेटियों की मजबूत आवाज राजस्थान विश्वविद्यालय में बुलंद करने वाले मेरे बड़े भाई श्रीमान निर्मल जी चौधरी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मीणा गांव की पावन शारदा भी पर। भाई निर्मल जी के सम्मान में ताली के साथ आगाज। मैं मंच के सामने विराजमान सारे गो भक्तों को प्रणाम करूंगा और सरस्वती पुत्र ओम जी मुंडेल बड़े भाई हमेशा है गायों की इस रक्षा की लड़ाई विश्व अटल पे एक क्रांति के रूप में लेके आए, इसके लिए मैं बड़े भाई ओम जी का बारंबार धन्यवाद करूंगा कि आप जैसे योद्धा इस धरती पे कम ही लोग पैदा होते हैं, या तो इस देश और दुनिया के अंदर कई ऐसे लोक देवता हुए थे जो गाय माता की रक्षा करते हुए अपने प्राण भी त्यागने पड़े, अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़ी तो दी। मैं ये मानता हूं कि जब पिछले समय के अंदर गाय माता को एक बड़ी महामारी का सामना करना पड़ा था, तब आपके द्वारा कई गौशालाओं के अंदर भजन संध्या करके उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया तो उनको गाय माता की रक्षा करने में काफी हिम्मत और ताकत मिलती। जब गाय माता इस बीमारी से गुजर रही थी तब मैंने मेरे साथियों ने प्रयास करके हजारों गायों को आयुर्वेदिक लड्डू खिलाने पड़े हो, चाहे उनको अच्छा आहार देने का प्रयास हम लोगों ने किया। इसी प्रकार से आज यदि प्रत्येक व्यक्ति यह ठानता है कि जिस प्रकार से गाय माता का दूध और घी और गौमूत्र से अपन लोग कई प्रकार की ताकत लेते हैं, यदि उसी तरह अपन लोग यदि धरातल पे आके गाय माता की रक्षा करेंगे तो देश और दुनिया गाय की पूजा करेगी। जब भारत देश के लोग ही या गाय की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो क्या खाक अपन विश्व के अंदर गाय माता को पूजवाएंगे। ओम जी के साथ साथ मेरे को भी गाय माता की रक्षा के लिए इनके न्याय के लिए अपने प्राणों की भी यदि कभी आहुति देनी पड़ेगी तो मैं हंसता खेलता गाय माता के लिए हमेशा तैयार रहूंगा पूरी टीम के साथ। आप लोग कई नेताओं को बड़ा बनाते हो, समाज में स्थापित करते हो, आप लोगों को ऐसे समय में उन लोगों से हक है सवाल पूछने का कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोगों ने गाय माता के लिए क्या कार्य किया है, यह आप लोगों का अधिकार है। यदि अपन लोग अपने जिस गाय को अपने एक जानवर के रूप में नहीं एक माता के रूप में पूजते हैं, मींडा सरपंच आपके बड़े भाई जोगेंद्र जी आए थे मेरे पास निमंत्रण देने के लिए, तो मेरा आज राजनीतिक कार्यक्रमों में जाना था, पर मैंने बड़े भाई साहब को कहा था कि आज आप निमंत्रण देने आए हो, मुझे तो आप नहीं आते फोन पे संदेश दे देते तो ही मैं आप लोगों के बीच पहुंचता, पर आप लोग निमंत्रण देने आए हो तो ये मेरे सौभाग्य की बात है। राजनीतिक कार्यक्रमों में राजनीतिक मंचों पे तो मैं हमेशा जाता ही रहता हूं। मैं आज सौभाग्यशाली हूं कि गौ माता की इस भजन संध्या के प्रोग्राम में शामिल होने का मुझे मौका मिला। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी गायों को माता के रूप में मान के उनकी सेवा करेंगे, बड़ी ताकत मिलती है उन घरों के अंदर जहां गायें हैं। मेरे को तो इतनी ऊर्जा और ताकत, मेरी मां कई सालों से गौ सेवा करती आ रही है,
गाय माता का दूध और घी खाके मैं इतनी ऊर्जा और इतनी ताकत के साथ राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के अंदर राजधानी के अंदर छात्र हितों की रक्षा के लिए तैयार खड़ा रह पाता हूं। इतनी ऊर्जा गाय माता का घी और दूध से ही मिलती है, तो इतनी ऊर्जा देने वाली उस मां की रक्षा के लिए और हमेशा उनके न्याय के लिए अपन लोगों को मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। बड़े भाई ओम जी जैसे मान लोग एक क्रांति के रूप में समाज में आज गा रहे हैं, गाय माता के लिए कार्य कर रहे हैं, अपन लोगों को भी इनकी फौज के रूप में इनके साथ मजबूती से मिलके हमेशा समाज में खड़े रहना चाहिए और न्याय के साथ कार्य करना चाहिए। मैं एक छोटे से गांव से किसान परिवार से आता हूं, मुझे गर्व होता है जब छोटे छोटे गांव में इतने भव्यशाली प्रोग्राम कराने वाले मजबूत आयोजक बड़े भाई जोगिंदर जी जैसे और इनकी मजबूत टीम यह है। आप लोगों ने इनको सरपंच चुना है, ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि ऐसे लोग समाज में सेवक के रूप में आगे आएंगे और गांव के प्रत्येक व्यक्ति की मजबूती से हमेशा उनकी हकों की रीतु में कार्य करेंगे तो समाज में एक नई मिसाल पेश होगी। तो इस प्रकार से आप लोग तो कभी भी मेरे लायक कोई भी राजधानी में कोई आप लोगों को काम हो तो आप याद करना, मुझे मौका देना सेवा का। मैं एक गांव से आने वाले विद्यार्थी की पीड़ा से भली भांति वाकिफ हूं, क्योंकि शुरुआती दौर में उन पीड़ाओं का सामना करके ही मैं छात्र नेता बना हूं। राजनीति करना मेरा कोई धर्म नहीं है। मैंने गांव से आने वाली उस छात्र शक्ति के साथ अन्याय होते हुए देखा, अन्याय सहन किया, तो मन में एक बात ठानी थी कि इन छोटे छोटे गांव के लोगों को यदि आगे बढ़ाना है समाज में तो इन लोगों की हकों की रीतों की रक्षा शिक्षा के स्तर पर मजबूती से लड़नी होगी। जब शिक्षा अच्छी मिलेगी तभी प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर का प्रत्येक ग्रामीण का प्रत्येक व्यक्ति का उद्धार होगा। वो तभी होगा जब अच्छी शिक्षा ले पाएंगे, अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे, तभी तो अच्छे अच्छे ओहदों पे किसान परिवारों के लोग आएंगे। जब किसान परिवार की आवाज कोई उठाने वाला व्यक्ति बड़े मंच पे होगा तो मैं मानता हूं अपन लोगों के साथ कोई अन्याय करने वाला पैदा भी नहीं हुआ है। आज आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे यहां बुलाया, उसके लिए मैं बारंबार आप सब लोगों का धन्यवाद करूंगा। बड़े भाई सरपंच जोगेंद्र जी का मैं धन्यवाद करूंगा, ये आपने मुझे यहाँ आके मंच पे आप लोगों के सामने मौका दिया। धन्यवाद।